मैसेल्फ लोकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की या उपचय संयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द और उनकी परिभाषाएं क्या होती है उनका आज अध्ययन करेंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यदि अपन बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर अनेक, जैसे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर केंद्रीय धातु आयन पाया जाता है, लिगेंड पाया जाता है, तो ये किस प्रकार से पाए जाते हैं तो इनका आज यहाँ पर अध्ययन करते हैं। देखो, बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे K4FeCN6, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है। क्या होता है ये? कॉम्प्लेक्स आयन। देखो, इसकी यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स आयन। इसकी बात करें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे अपन, पढ़ेंगे। और देखो, ये होता है कॉम्प्लेक्स आयन, इसके अंदर ये यहाँ पर ये होता है सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन ये होता है सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, अर्थात हमेशा इसके ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा हमेशा धनात्मक आवेश पाया जाता है। और इसकी यदि अपन बात करते हैं तो इसकी बात करें तो ये होता है लिगेंड, जो लिगेंड होते हैं ये लिगेंड, अर्थात यहां पर एफ ही सेंट्रल मेटल आयन है, धातु है, धातु के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ये इसकी बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है। और इसकी यदि अपन बात करते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट पाया जाता है, अर्थात स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो पाया जाता है वो होता है लिगेंड होता है। लिगेंड हमेशा, मतलब लिगेंड की बात करते हैं, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अर्थात इसकी यदि अपन बात करते हैं तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इनकी बात करते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अब देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो इसके अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, एक तो होता है सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा होता है लिगेंड। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, एक तो सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा होता है लिगेंड। अब इसके इधर की यदि बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ये K4 पाया जा रहा है, यहाँ पोटेशियम पाया जा रहा है, वो पोटेशियम इसका जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है उसको स्टेबल कर रहा है। यदि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज पाया जाता है तो उसको यहाँ पर धनात्मक आवेश युक्त जो आयन होते हैं वो स्टेबल करते हैं, और यदि इसके ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है तो उसको ऋणात्मक आवेश युक्त जो आयन्स होते हैं वो इनको क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। तो ऋणात्मक आवेश वाले जो आयन्स होते हैं वो इधर पाए जाते हैं और धनात्मक आवेश युक्त जो आयन्स होते हैं वो इधर पाए जाते हैं, तो इनको ये स्टेबिलिटी के लिए इनको काम में लिया जाता है। अर्थात ये कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होता है
उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। अब यदि अपन बात करते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स टू पार्ट्स से मिलकर के बना होता है, दो भागों से मिलकर के बना होता है, अर्थात इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, माना कि मैं कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, संकुल की बात करता हूँ, तो इस संकुल के दो पार्ट पाए जाते हैं यहां पर, एक के पार्ट की यदि अपन बात करते हैं तो इस पार्ट की बात करते हैं तो ये पार्ट होता है सेंट्रल मेटल लाइन और दूसरा होता है लिगेंड, हमेशा दो इन दोनों पार्ट से मिलकर के बना होता है। अब इसकी यदि अपन बात करते हैं इसके अंदर कि सेंट्रल मेटा लाइन और लिगेंड्स होते हैं, यदि इनकी यदि अपन बात करते हैं तो सेंट्रल मेटा लाइन के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं या वो मेटल होते हैं जो कि लिगेंड्स से या लिगेंड से लॉन पेयर ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और उपसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल कहते हैं। दूसरी बात करते हैं लिगेंड की, बात करते हैं लिगेंड के ऊपर हमेशा हमेशा चार्ज पाया जाता है अर्थात या फिर लॉन पेयर पाए जाते हैं, जो लॉन पेयर या चार्ज होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को या सेंट्रल मेटल आयंस को ये लॉन पेयर प्रदान करते हैं और जब ये लॉन पेयर प्रदान करते हैं तो उसके दौरान ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। अर्थात लिगेंड के अंदर वह एटम्स या वह परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है या चार्ज डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, तो उस परमाणु को वह परमाणु जो कि केंद्रीय धातु आयन को चार्ज देता है या फिर लॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे डोनर एटम कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सेंट्रल मेटल आयंस के अंदर ये लिख सकते हैं कि वे परमाणु अर्थात वे मेटल आयंस जो लिगेंड से लॉन पेयर ग्रहण कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। अर्थात इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इसके अंदर वे मेटल आयन जो लिगेंड से लॉन पेयर ग्रहण कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। नेक्स्ट यहां पर यदि अपन बात करें तो केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का व्यवहार करता है, ये जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का व्यवहार करता है क्योंकि इसके अंदर समान ऊर्जा वाले रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। अर्थात केंद्रीय धातु आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर रिक्त कक्षक पाए जाते हैं और रिक्त जो डी कक्षक पाए जाते हैं वो लगभग समान ऊर्जा वाले होते हैं। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि इसके अंदर कि जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही का व्यवहार करता है, केंद्रीय धातु आयन या सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ग्राही का व्यवहार करता है
क्योंकि इसमें समान ऊर्जा वाले रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। अब देखो नंबर दो की बात करते हैं, लिगेंड। लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। इसकी यदि अपन बात करते हैं, लिगेंड सेंट्रल मेटल को या केंद्रीय धातु आयन को लॉन पेयर प्रदान करते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं, अर्थात वे अर्थात इसके बारे में ये कह सकते हैं वे परमाणु अणु या आयन जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को लॉन पेयर प्रदान कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, लिगेंड कहा जाता है। अर्थात वे परमाणु अणु वे परमाणु अणु या आयन जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कहलाते हैं। नेक्स्ट इनको ये कह सकते हैं, जो भी लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि ये जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु लिगेंड में अर्थात लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन को उपस्थित वह परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर प्रदान करता है, दाता परमाणु या डोनर एटम कहलाता है। अर्थात लिगेंड के अंदर वह परमाणु जो कि केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर प्रदान करता है, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे दाता परमाणु या डोनर एटम कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर अपन ने क्या देखा है, एक तो सेंट्रल मेटल आयन देखा है, दूसरा क्या देखा है, लिगेंड। और इनको एक्सप्लेन किया है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक तो पार्ट पाया जाता है कॉम्प्लेक्स आयन पाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर नंबर एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जिसके ऊपर हमेशा 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 धनात्मक आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट
इसके अंदर लिगेंड होता है, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दोनों को कॉम्प्लेक्स के जो होता है, कॉम्प्लेक्स टू पार्ट से मिलकर के बना होता है, सेंट्रल मेटल लाइन और लिगेंड, दोनों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखा है। अर्थात वे मेटल लाइन जो कि लिगेंड से लोन पेयर प्रदान करते हैं या एकक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं जिसके दौरान वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन की बात करते हैं तो सेंट्रल मेटल आयन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही का व्यवहार करता है क्योंकि इसके अंदर समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिगेंड की बात की है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन युग में प्रदान करते हैं या फिर ये कह सकते हैं वे परमाणु अणु या आयन जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं या एकक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं उन्हें लिगेंड कहा जाता है। एकक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा बंधित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड की बात करते हैं तो लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, लोन पेयर प्रदान करता है, उसे दाता परमाणु या डोनर एटम कहा जाता है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अर्थात इसके अंदर दोनों तरीके से अपन ने देखा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।